बुलेट ऑफ लेड जस्ट मेल्ट्स व्हेन स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल। तो ये बुलेट यहाँ पे आ रही है और जब इस पे गिरी तो बस बुलेट कह रही है मैं तो पिघल ही गया। ठीक है, पिघलने के लिए क्या चाहिए? एक तो इसका टेम्परेचर उठकर मेल्टिंग पॉइंट तक जाए, फिर उसके बाद उसको लेटेंट हीट भी मिल जाए तो वो पिघल जाए, है ना। तो अब ये भी कह रहा है कि अज्यूमिंग 25% ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्स्टेकल, है ना। तो 25% ऑब्स्टेकल ने ले ली तो 75% अपनी बुलेट ने ले ली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक जाना चाहिए 327। तो 327 में से 27 गया कितना हुआ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हम लोग ये लेंगे, जे आपको दिया गया है 4.2, वो तो कोई 4.2 दिया है इन्होंने, तो चलो हम लोग यहाँ पे 4.2 के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर लेंगे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो सी और एल यानी कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को हम लोगों को पहले ही निकाल लेना होगा एसआई यूनिट में, वो मैंने पहले से कर दिया है, तो ये कर लिया हम लोगों ने। अब ये प्रॉब्लम है कि भाई बुलेट की वेलोसिटी को हम लोग फॉर्मूले में कैसे लाएं। पुराना ज्ञान, पहले वेलोसिटी उसकी यू रही होगी, बाद में वेलोसिटी वी जीरो हो गई होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया होगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यार वी तो जीरो ही होना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप एम यू स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, यार हीट कहां से प्रोड्यूस होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होगी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हीट प्रोडक्शन इस तरह होगा कि 75% बुलेट को मिले और 25% ऑब्स्टेकल को मिले, यानी इसी से तो सारी हीट बन रही है, इसका ही 75% बुलेट को मिलेगा। ये दिमाग लगाना था हम लोगों को। तो 75% डिवाइडेड बाय 100 इनटू एम यू स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आ गया बेटा आपको, ये कैसे आया? यस सर। गुड, चलिए। तो बस अब यही हमारा एक तरीके से डेल्टा मतलब हीट सप्लाइड जो आ रही है वो यहां से आ रही है, तो इसी को हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमारा फॉर्मूला इस तरह बन जा रहा है कि 75/100 इंटू एम यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम टाइम्स एल प्लस सी डेल्टा टी। ये बढ़िया फॉर्मूला, इसीलिए मास नहीं दिया गया है क्योंकि मास को कैंसल होना है। काफी बढ़िया सवाल है मैं बोलूंगा। ओके, 3/4, 3/8 हो गया एक तरीके से, चलो 1/2 बना रहना दो। यू स्क्वायर अब सारी वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू है 25.2 और 10^3 में बाहर लिख दूंगा, सी की वैल्यू है 0.126, डेल्टा टी 300 है, है ना। तो ये कितना हो रहा है ऐसा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10^3 इंटू 4×2 = 8 डिवाइडेड बाय 3, है ना। ये मतलब इस साइड ले गए हम लोग और सब कुछ ऐड वैड करिए, बढ़िया से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, तो ये आ गया 409.87। भाई इसे 410 मीटर पर सेकंड लिखने में कोई हर्जा नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।